हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम लाइन कमांड की मदद से एक स्केच ज्योमेट्री तैयार करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्केच एडिट कैसे करते हैं और स्केच को सेव एज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह एक सिंपल स्केच है जो हम लाइन कमांड की मदद से ड्रॉ करेंगे। इसमें जितने भी डायमेंशन हैं वो सारे mm में हैं। तो चलिए स्केच ड्रॉ करते हैं। स्केच ड्रॉ करने के लिए आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो आप इन तीनों में से कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने पिछली लेक्चर में सीखा था। तो हम यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए टॉप प्लेन वाले आइकन पे राइट क्लिक करें और स्केच पे क्लिक करें। तो अब आप स्केच मोड में आ गए। अब हम लाइन कमांड एक्टिव करेंगे। लाइन कमांड एक्टिव करने के लिए लाइन कमांड वाले आइकन पे क्लिक करें। तो अब आपका लाइन कमांड एक्टिव हो गया। अब आप उस पॉइंट पे क्लिक करें जहाँ से आप लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था कि कोई भी स्केच ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करें, जिससे कि आप स्केच को आसानी से फुल्ली डिफाइन कर पाएंगे। तो हम ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो लाइन स्टार्ट हो गया ड्रॉ होना। ये यहाँ तक, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये साइड, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये साइड और फिर ये नीचे की तरफ। कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। अब आप कमांड से बाहर आ गए। अब इसमें डायमेंशन दीजिए। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक करें। ये क्या 50 mm, 50 एंटर। दूसरा 70 mm, यहाँ से यहाँ तक 70 mm एंटर। ये दोनों के बीच का एंगल 125 डिग्री, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 125 डिग्री एंटर। ये 20 एंटर, ये 20 एंटर, ओके। तो देखिए दोस्तों, आप कितनी आसानी से लाइन कमांड की मदद से स्केच बना लिया। डिजाइन करना इजी है, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसे सेव कीजिए। सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस एक साथ प्रेस करें। तो अब आप कौन सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे डी ड्राइव में स्केच फोल्डर के नाम में सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइप कीजिए SKETCH स्केच PRACTICE practice-1 और सेव कीजिए। ओके, अब स्केच मोड से बाहर जाइए। अब आपका स्केच सेव हो गया। यहाँ से क्लोज कीजिए।
अगर आप स्केच को एडिट करना चाहते हैं तो स्केच पहले से बना होना चाहिए। अब हम स्केच को एडिट करेंगे, तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन का एक आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। और अभी हमने स्केच लेक्चर के फोल्डर में स्केच प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव किया था, इस पर क्लिक करें और ओपन करें। तो देखिए हमने यही स्केच ड्रॉ किया था, अब इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ पे स्केच का आइकन है, इस पर राइट क्लिक करें और एडिट स्केच पे क्लिक करें। अब आप स्केच मोड में आ गए। यहाँ आप जो भी डायमेंशन एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 70 को 80 करना चाहता हूँ, तो इस डायमेंशन पे डबल क्लिक करें तो आपके सामने डायमेंशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसमें 80 एंटर, देखिए ये 80 हो गया। इसको हम 25 करना चाहते हैं तो डायमेंशन पे डबल क्लिक करें और 25 एंटर। इसको भी हम 25 चाहते हैं तो डबल क्लिक करें, 25 एंटर, ओके। अब आप इस डायमेंशन को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका डायमेंशन अपडेट हो जाएगा। स्केच से बाहर जाइए और क्लोज कीजिए। अब ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन, अभी हमने स्केच प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव किया था, क्लिक करें ओपन करें। अब देखिए हमने 80 किया था, 25 किया था और 25 किया था, तो ये डायमेंशन अपडेट हो गया। अब हम इसे सेव एज करेंगे। सेव एज करने के लिए पहले हम डायमेंशन एडिट करेंगे, 80 पे डबल क्लिक करें, 70 एंटर, इस पर डबल क्लिक करें, 20 एंटर, इस पर डबल क्लिक करें, 20 एंटर, ओके। अब आप स्केच मोड से बाहर जाइए तो इस आइकन पर क्लिक करें। अब इसे सेव एज कीजिए। सेव एज करने के लिए आपको सेव का यह आइकन दिखाई दे रहा है, इसके बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करें तो एक ऑप्शन है सेव एज का। आप इस सेव एज पे क्लिक करें और इसका नाम दें स्केच प्रैक्टिस 2 और सेव, और यहाँ से क्लोज करें। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन पे क्लिक करें और अभी हमने स्केच प्रैक्टिस 2 के नाम से सेव किया था, इस पे क्लिक करें और ओपन करें। और स्केच पे राइट क्लिक करें और एडिट स्केच पे क्लिक करें। तो देखिए हमने जो चेंज किया था यहाँ पे 80 का 70 किया था और 25 का 20 किया था। और स्केच से बाहर जाएं। तो दोस्तों आपने सीखा कि हम कितनी आसानी से स्केच को एडिट कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमें लिखें आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।